मेहंदी के पत्र, आम्रपाली के पत्र, पुष्प, गेंदे के, गुड़हल के, नाना प्रकार के गुलाबों के, गुड़हल के पत्र, अमरूद के पत्र, सहजन के पत्र, प्याज, नींबू और मिलाए जाएंगे नींबू। अभी पेड़ से दो ही तोड़कर लाई हूँ, कुछ अंदर रखे हुए हैं और बाकी औषधियाँ मैंने पहले आपको बताई ही थी। 3 दिन से इसी तेल में सिद्ध हो रही हैं। नीम के पत्र और नींबू के छिलके इसमें हैं, सदाबहार इसमें है, सफ़ेद गुलाबी सा गुलाब इसमें है, कड़ी पत्ता इसमें है। तो ये औषधीय तेल बनकर तैयार हो रहा है। नमः शिवाय गौरी। ये हमारा तेल बन रहा है और आज 3रा दिन है, तो हमने बहुत ज़ोर शोर से तैयारी कर दी है। ये देखिए, हमने जो फूल भिगाए थे जितने भी धो दिए हैं, और इनमें कीट आदि कोई होंगे तो ऊपर आ जाएंगे। पहले काफ़ी देर सुखा के रखे, फिर इन्हें भिगा दिया। और ये सारे पत्ते हमने जो अभी आपको दिखाए थे धो दिए हैं, और ये औषधि अपने पहले चरण की पक रही है। जब ये आप देख सकते हैं, ये पूरा भरा हुआ है, इसमें और स्थान नहीं है। जब ये पूरा पक जाएगा और पानी आधा हो जाएगा, फिर हम इसमें ये तेल और पानी इकट्ठा है, ये पानी उड़ जाएगा, तेल रह जाएगा, फिर हम इसमें ये पत्ते मिलाएंगे, फिर हम इसमें पानी मिलाएंगे और फिर थोड़ा तेल मिलाएंगे, फिर वो आधा रह जाएगा, फिर हम इसमें ये पत्ते मिलाएंगे और फिर हम अन्य औषधियाँ आपको दिखाएंगे जो हम अन्य औषधियाँ इसमें डालेंगे। नमः शिवाय।